पाकिस्तान का आईन तस्लीम करने वाले बलोचों से बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। कहा दहशतगर्द अगर ये समझते हैं कि मासूम पाकिस्तानियों को शहीद करके वो अपनी धाक बिठा लेंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। बड़े अंदोनाक वाकयात हुए हैं, 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद करके तो ये दहशतगर्द अपनी धाक बिठा सकते हैं कि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पाकिस्तान के किस हिस्से के लोगों को बसों से उतार कर शहीद किया गया, अगर ये कहा जाए कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया, इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। जो भी वसाइल चाहिए, बाकी अखराजात कम करके इस हवाले से हम तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। जो सिपा सलार हैं पाकिस्तान की फौज के, उनकी अनवेवरिंग रिजॉल्व है इस दहशतगर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। पुख्ता इरादे के साथ आगे बढ़ना है। किसी किस्म की कमजोरी का सवाल नहीं पैदा होता। बलूचिस्तान में वो लोग जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करते हैं, उनके साथ बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। दोस्त ना दुश्मन, उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। ये वाज़े पैगाम है, दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत जल्द बलूचिस्तान का इंशाल्लाह दौरा करूँगा। पिछले चंद दिनों में बड़े पाकिस्तान का आइन तस्लीम करने वाले बलोचों से बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। कहा दहशतगर्द अगर ये समझते हैं कि मासूम पाकिस्तानियों को शहीद करके वो अपनी धाक बिठा लेंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। बड़े अंदोनाक वाकयात हुए हैं, 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद करके तो ये दहशतगर्द अपनी धाक बिठा सकते हैं कि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पाकिस्तान के किस हिस्से के लोगों को बसों से उतार कर शहीद किया गया, अगर ये कहा जाए कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया, इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। जो भी वसाइल चाहिए, बाकी अखराजात कम करके इस हवाले से हम तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। जो सिपा सलार हैं पाकिस्तान की फौज के, उनकी अनवेवरिंग रिजॉल्व है इस दहशतगर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। पुख्ता इरादे के साथ आगे बढ़ना है। किसी किस्म की कमजोरी का सवाल नहीं पैदा होता। बलूचिस्तान में वो लोग जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करते हैं, उनके साथ बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। दोस्त ना दुश्मन, उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। ये वाज़े पैगाम है, दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत जल्द बलूचिस्तान का इंशाल्लाह दौरा करूँगा। पिछले चंद दिनों में बड़े